रसोड़े में कौन था, ये वायरल रैप जब मशहूर हो रहा था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसकी वजह से साथ निभाना साथिया का दूसरा सीजन आ जाएगा। लेकिन अब एक कमाल की बात और सवाल उठ रहा है, और वो सवाल है राशि बैन पर। अगर आपको याद हो तो रसोड़े में कौन था, इस सवाल के जवाब में राशि बैन का ही नाम आता है। ये राशि बैन साथ निभाना साथिया के पहले सीजन की सबसे मशहूर वैम्प में से एक थी। अपनी नेगेटिव एक्टिंग और साजिशों की वजह से राशि ने साथ निभाना साथिया के पहले सीजन में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। राशि बैन का किरदार निभाने वाली ये एक्ट्रेस थी रुचा हसाबनीस। जी हाँ, रसोड़े में से कुकर में से चने निकालने वाली और खाली कुकर गैस पर चढ़ाने का मशहूर काम करने वाली रुचा ही थी। राशि बैन बनी रुचा ने सीजन 1 में सिर्फ कुकर से चने निकालने का ही काम नहीं किया था, बल्कि कई और ऐसी मजेदार साजिशें भी की थीं, जिनकी वजह से सीजन 1 काफी मजेदार हो गया था। लेकिन अब ये राशि बैन है कहाँ? क्या रुचा हस्बैंड एक बार फिर से साथ निभाना के दूसरे सीजन को बतौर राशि बैन ज्वाइन करेंगी, या फिर मेकर्स को अब कोई दूसरी ही राशि बैन ढूंढनी पड़ेगी? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बड़ा शो साथ निभाना साथिया छोड़ने के बाद रुचा ने साल 2014 में ही हमेशा हमेशा के लिए एक्टिंग भी छोड़ दी थी। जी हां, दरअसल रुचा के इस शो को छोड़ने की वजह थी उनकी शादी। रुचा ने इस शो को छोड़ने के बाद साल 2015 में अपने बॉयफ्रेंड राहुल जगदाले से शादी कर ली थी, जो पेशे से एक बिल्डर हैं। शादी के बाद रुचा ने टीवी से ब्रेक ले लिया था और अपने हस्बैंड के काम में ही बिजी हो गई थी। इसके बाद दिसंबर 2019 में रुचा ने एक बेटी को जन्म दिया, और अब बच्चे की वजह से रुचा के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। ऐसे में तो शायद रुचा के लिए राशि के रोल में सीजन 2 ज्वाइन कर पाना काफी मुश्किल होगा। ऐसे में फिर मेकर्स क्या करेंगे? क्या नई राशि बैन के लिए कोई टैलेंट हंट होगा, या फिर टीवी के जाने पहचाने कुछ चेहरों के बीच से ही एक नई राशि बैन ढूंढने की कोशिश की जाएगी? खैर, सीजन 2 के प्रोमो के बाद अब कहानी की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन सी टीवी एक्ट्रेस राशि बैन के किरदार में एकदम फिट बैठती है? बताइए अपनी ओपिनियन और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में।